और वो बेंगलुरु के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे थे। इस दौरान उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। उसके बाद में जिस तरीके से वकील साहब अमित जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों जाकर के वहाँ से बॉडी को लाए, उसके बाद में वहाँ की गतिविधियाँ हुई उन्होंने देखी होगी, और उसके 3 महीना बीतने के बाद में वहाँ की क्या रिपोर्टिंग रही है, पुलिस में जो प्रकरण जो दर्ज हुआ उसमें पुलिस अब किस नतीजे पे पहुँची है, इसको लेकर के तो वकील साहब ही बता सकते हैं। जहाँ तक हमारा तो वहाँ तक किसी प्रकार का संपर्क नहीं था, लेकिन तारा तराव वाले IG साहब से मेरी आगे और आगे लाबुराम जी आगे आओ। तो IG साहब ने ये कहा था कि जो निष्पक्ष किसी महानुभाव ने जिनके संपर्क है उन्होंने भी की होगी शायद, मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन वकील साहब से बात हुई। देखिए यहाँ जो होता है उसमें तो हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जितनी समझ होती है और भी हमारे समाज के लोग मिल करके उन प्रकरणों में पैरवी करते हैं, लेकिन यहाँ से जो 2500 किलोमीटर है ज़्यादा किलोमीटर वहाँ की क्या स्थिति रहेगी और वहाँ इस प्रकरण में अपन जो भी घटना घटी है वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में तो मेरी इतनी समझ नहीं है। कुछ लोग कुछ भी समझे और वहाँ लड़े तो लड़ाई कैसे लड़े, इसको लेकर के सामान्य सारे अमरजीत जैन साहब सहित दालू राम जी वरिष्ठ वकील साहिबान बिराजी आप मार्गदर्शन करो, हम लोगों को जैसा निर्देश हो इस परिवार को न्याय कैसे मिले, उसमें जैसा भी सर्वसम्मति से इस परिवार को न्याय मिले उसका पर्दा उठे उस घटना से कि असल में क्या हुआ कैसे हुआ कौन दोषी है, तो इसमें तो आपका मार्गदर्शन जरूर रहेगा। मुझे अभी मैं ज़्यादा तो सुझाव दूँ ऐसी स्थिति में हूँ नहीं कि वहाँ बेंगलुरु में केस इसको कैसे लड़ा जाए। और रही बात पूरे राजस्थान के तमाम जो सामाजिक संगठन दूसरे अधिवक्ताओं ने दूसरे भी लोगों ने पूरे जो ज्ञापन राष्ट्रपति जी से लेकर के वहाँ के स्थानीय जो मुख्यमंत्री और अपने जो सरकार के मुखियाओं से भी ज्ञापन गए हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई या ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो आगे मार्गदर्शन आप करेगा, मेरे पास तो इतनी ही चीज़ें, हमारे को जो जिस प्रकार से न्याय संगत मार्गदर्शन करके कहो तो एज ए सामाजिक कार्यकर्ता मैं और तमाम समाज के लोग जैसा निर्णय होता उसके अनुरूप कार्य करने के तैयार। कुछ ही माह पूर्व हम सबके बहुत अजीज हमारा एक परिवार का बच्चा डॉक्टर लोकेंद्र सिंह धंधे वहाँ बेंगलोर में जो है डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, और उसकी वहाँ जो मृत्यु हुई वो बहुत ही संदिग्ध अवस्था में हुई। तो हमारा ये जो पूरा परिवार है, लोकेंद्र के जो मित्र हैं साथी हैं, हम सब की ये मांग है कि वहाँ उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ किन परिस्थितियों में जो है उसकी मृत्यु हुई ये हमें मालूम हो, और हम जो परिवार हैं उनके उसको संतुष्टि मिले हमें कि भाई क्या चीज़ हुई है क्या नहीं हुई है। अभी तक की जांच में पुलिस ने वहाँ कुछ कार्रवाई की नहीं है। इस बाबत आज सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि कर्नाटक सरकार तक हम हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे, हमारे जितने भी साथी यहाँ पर हैं अलग अलग जरिए से तरीके से, ताकि हमें ये मालूम हो पाए कि लोकेंद्र के साथ क्या हुआ किन परिस्थितियों में किस तरह से एक जो है हमने एक हमारे बच्चे को जो हमारे भविष्य का एक बड़ा होनहार डॉक्टर बनता हमारे इस पूरे क्षेत्र का हमारे इस परिवार का नाम रोशन करता उसके साथ ऐसा हुआ, तो ये हम सब के लिए एक जो क्षति हुई है वो मैं उसका दुख तो है ही, पर साथ साथ हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। इसके बाबत आज एक सर्व समाज की मीटिंग थी और ये सब कुछ अभी इसमें तय हुआ है। तो अभी किसके नाम
हम सरकार, कर्नाटक जो सरकार है, कर्नाटक सरकार से किस तरह से बात कर सकते हैं, इस पे हम लोगों ने अभी चर्चा करी है। तो उसमें दो तीन तरीके जो हैं वो उसमें निकल के आए हैं, उन दो तीन तरीकों पे हम जो है आगे चलकर और कर्नाटक सरकार से बात करने की कोशिश करेंगे।